हरियाणा विधानसभा में विपक्ष से बहस में फ्रंट फुट पर रहने वाले संसदीय कार्य मंत्री रणदीप सुरजेवाला को हरियाणा सरकार ने बुधवार को सम्मान से नवाजा। सदन में संयम बनाए रखने की उनकी परिपाटी ने उन्हें हरियाणा के विधायकों में सर्वश्रेष्ठ के पायदान पर खड़ा किया। रणदीप को यह सम्मान यहां हरियाणा निवास में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा की मौजूदगी में दिया। वहीं सुरजेवाला ने सम्मान में दी गई 1,00,000 रुपए की राशि को प्रदेश के 5 विश्वविद्यालयों के 2 मेधावी छात्रों में वितरित करने का ऐलान किया। मैं सबसे पहले तो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर और हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूरी अवार्ड सिलेक्शन कमेटी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये इस सम्मान के लायक समझा। मुझे लगता है कि हम सबको विधायिकाओं का स्तर जो है वो और ज़्यादा बढ़ाना है, परिचर्चा को और ज़्यादा ऊपर लेकर जाना है। पक्ष और विपक्ष के समन्वय से हमें ये सुनिश्चित करना है कि लोकहित और जनहित के मुद्दे जो हैं वो पक्ष और विपक्ष की विचारधारा के मतभेद से ऊपर उठकर हम उठा सकें, ताकि विधायकों का जिस पर्पस के लिए, जिस विषय के लिए हमारे बुजुर्गों ने पूरी संसदीय प्रणाली का गठन किया था, हम उस कसौटी के ऊपर खड़े उतरें। आज के इस अवार्ड से मुझे लगता है कि इस जिम्मेवारी का एहसास जहां पहले भी था, वहां और जोर से हम ये प्रयास करेंगे कि हम पक्ष और विपक्ष का एक अनूठा समन्वय बनाकर ये सुनिश्चित करें कि जनहित और लोकहित के मुद्दे हैं वो हम और ज़्यादा पुरजोर तरीके से लोक भलाई और लोकहित के लिए उठाएं और उनका निवारण भी विधायिका के माध्यम। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह सम्मान दिए जाने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि सुरजेवाला अपनी बेहतर परफॉर्मेंस के जरिए इस सम्मान के हकदार थे। सम्मान के हकदार थे, वो सम्मान दिया है, वो उनकी जो परफॉर्मेंस रही है विधानसभा में एज मेंबर, एज मिनिस्टर, एज पार्लियामेंट्री अफेयर्स, और किस तरह से विधानसभा की गरिमा परंपराएं जो उन्होंने डाली हैं उसके लिए उन्होंने, स्पीकर साहब ने जो कमेटी बनाई थी उन्होंने को सम्मानित किया है। एक अच्छी प्रथा डाली है ताकि और लेजिस्लेचर भी सी और विधायक जो हैं वो भी इनको देखकर प्रोत्साहित हो और एक विधानसभा का स्तर जो है उसका अच्छी विचार विमर्श हो, कि मंथन हो और उसके गरिमा बढ़ाई जाए। वहीं विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि अवार्ड के लिए 9 विधायकों के आवेदन आए थे, लेकिन अंतिम निर्णय संसदीय कार्य मंत्री के पक्ष में उनके बेहतर आचरण के चलते लिया गया। उल्लेखनीय है कि हरियाणा निवास में आयोजित इस कार्यक्रम में कांग्रेस के 15 के करीब विधायक ही भाग लेने के लिए पहुंचे, जिसमें प्रोफेसर संपत सिंह, नरेश शर्मा, आफताब अहमद व स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह सहित कुछ ही विधायक सम्मान समारोह में भाग लेने के लिए यहां आए। इनेलो और भाजपा समेत हचका व बसपा ने भी कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। हालांकि बसपा के एकमात्र विधायक डिप्टी स्पीकर हैं, उन्होंने भी कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। वहीं इनेलो पहले ही इस समारोह पर अपनों को नवाजने का आरोप लगा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रूबरू टुडे।